हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारा यूट्यूब चैनल में आप सभी को ढेर सारा बहुत सारा स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे SketchUR Pro के अंदर जो गूगल लॉगिन कंपोनेंट है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, उसी पर बेस्ड एक SketchUR Pro का प्रोजेक्ट है। आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, ये रहा वो प्रोजेक्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लगाया गया है गूगल लॉगिन का कंपोनेंट। ओके दोस्तों, तो इस प्रोजेक्ट को दोस्तों हम डायरेक्ट रन करेंगे। रन करने के बाद दोस्तों हम इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप इसे ओपन कीजिए। ठीक है, ओपन करने के बाद आप लॉगिन का जो बटन है इसका ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का आपका जो ईमेल आईडी वगैरह जो भी है लॉगिन का पेज निकल के आएगा। ईमेल आईडी का जो पेज है वो निकल के आएगा। दोस्तों, जो भी ईमेल आपको पसंद है उसका ऊपर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली जो है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये SketchUR Pro का प्रोजेक्ट है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर आपको इसका डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा। आपको बस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे SketchUR Pro में बैकअप का ऑप्शन रहता है उसका पर क्लिक करके आप इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लीजिए। करने के बाद इसको ओपन कीजिए और आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं किस तरह से ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, काम कैसे कर रहा है और ये जो गूगल लॉगिन जो कंपोनेंट है इसका इस्तेमाल कैसे किया गया है, आप देख करके सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस टाइप का वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।